श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं एक राजन परीक्षित, भूमंडल का परिमाण और इसके सारे लक्षण मैंने तुम्हें सही सही बता दिए। भूमंडल का जो विस्तार मैंने बताया है वो उतना ही है। अब तुम सोचते होंगे भूमि का विस्तार इतना है तो स्वर्ग का विस्तार कितना है, स्वर्ग भी तो इसी ब्रह्मांड में है। तो वो बोल रहे हैं जितना विस्तार भूमंडल का मैंने बताया वो है 50 करोड़ योजन, मतलब 400 करोड़ मील सीधा, जैसे पक्षी उड़ता है सीधा, ऐसे नहीं परिक्रमा नहीं, सीधा इतना, मतलब 400 करोड़ मील इतनी पृथ्वी है, इतना ही स्वर्ग है। अच्छा तुम सोचते होगे कि आपको कैसे मालूम, परीक्षित को कह रहे हैं सुखदेव, तुम सोचते होंगे कि हमको कैसे मालूम। सो मैं बताता हूं, सुनो, सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं अरे भैया देखो, जैसे चना होता है ना और या मटर होता है ना, उसके ऊपर के छिलके को उतारते हो तो उसमें से दो हिस्से निकलते हैं, ऐसे ही है ये जगत। इसको कहते हैं ब्रह्मांड, अंडा है ये, ऊपर वो छिलका है ना उसको निकालोगी तो उसमें दो हिस्से निकलते हैं जैसे चने में, तो इसका एक कवर है ना, इसके अंदर दो हिस्से हैं ये, तो उसका विस्तार स्वर्ग का भी 400 करोड़ मील चौड़ाई है, 400 करोड़ मील स्वर्ग लोक, इसमें अनेक लोक हैं जैसे पृथ्वी में सप्त द्वीप है ना, ऐसा ही है। अच्छा स्वर्ग लोक और पृथ्वी में बीच में जो हिस्सा है ना इसको अंतरिक्ष कहते हैं, संस्कृत भाषा में अंतरिक्ष, अंग्रेजी में आउटर स्पेस कहते हैं। इस अंतरिक्ष में सारे ग्रह और सारे नक्षत्र के साथ सूर्य देव चलते हैं, सारे ग्रह और नक्षत्रों के साथ सूर्य देव चलते हैं, सबको गर्मी देते हैं और प्रकाश देते हैं जिससे पृथ्वी में सब तरह का खाना उगता है, सभी प्राणियों की उन्नति, एनर्जी, शक्ति मिलती है उनको सूर्य देव से, ऐसा है। वो सूर्य देव भगवान के आदेश का पालन करते हैं और उनके आदेश का पालन करते हुए घूमते हैं, कभी तो उत्तरायण में घूमते हैं, कभी दक्षिणायन में जाते हैं, कभी बीच में विषुवत रहते हैं बीच में। तो उससे क्या होता है ना, कभी वो धीरे चलते हैं, कभी वो जल्दी चलते हैं, कभी समान गति से चलते हैं। उससे क्या होता है ना, जब वो 12 राशियों में चलते हैं तो कभी ऊपर रहते हैं, कभी नीचे आ जाते हैं, कभी बीच में रहते हैं, जैसे तुम्हारी पतंग है ना, ऐसा करते हैं। तो क्या होता है, उससे क्या होता है ना, कभी दिन और रात बराबर के हो जाते हैं, कभी दिन लंबा हो जाता है, कभी रात लंबी हो जाती है, तीन तरह का भगवान के आदेश से कर रहे हैं, वो अपने आप नहीं कर रहे। जो असली भगत होगा ना भगवान की बात पर चलेगा, जो असली चेला होगा ना शिष्य दिल से, वो तो गुरु की बात पर चलेगा, वो कभी अपनी मनमानी नहीं करेगा, गुरु को नहीं सताएगा वो। जब शिष्य गुरु की बात पर नहीं चलता है तो गुरु जी को बहुत कष्ट होता है, वो चुपचाप रहते हैं, कभी कभी बोलना पड़ता है लेकिन सहन करते हैं। जो गुरु जी को कष्ट देता है वो चेला कैसा होगा, वो जो भगवान की बात नहीं मानता वो कैसा भगत होगा, सोचिए आप इसके बारे में। अच्छा अब बताते हैं, जब
सूर्य मेष राशि पर चलते हैं और तुला राशि पर चलते हैं दो तरफ, तो तब दिन और रात बराबर के हो जाते हैं। जब वृष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, पांच में वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, पांच इन पर चलते हैं सूर्यदेव, तो रात घटती है और दिन बढ़ता है। और जब वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि, ये पांच वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, हाँ, पांच राशियों पर जब चलते हैं तो रात छोटी होती है, दिन बढ़ते हैं। लेकिन मेष राशि में और तुला राशि में दिन रात समान हो जाते हैं। इस प्रकार सूर्यदेव पांच महीने रात बढ़ाते हैं, दिन घटाते हैं, दूसरे पांच महीने रात घटाते हैं, दिन बढ़ाते हैं, ऐसा चलता है। इसको कहते हैं दक्षिणायन और उत्तरायण। उत्तरायण में रात बड़ी होती है, दक्षिणायन में रात घटती है, ऐसा। सूर्यदेव की परिक्रमा करने की जगह है, हमने पहले बता दिया कि सुमेरु पर्वत से मंदराचल पर्वत तक इस जमीन पर सूर्यदेव का रथ चलता है। अब सोचोगे सूर्यदेव का रथ जब चलता है तो कितना ऊंचा है, सूर्यदेव का रथ भी तो उसको साइज होना चाहिए ना। सूर्यदेव का रथ 11 करोड़ 10 लाख 11 करोड़ मील ऊंचा, ओ योजन मतलब 8 करोड़ 88 लाख मील ऊंचा है। अंग्रेजी में कहते हैं 888 मिलियन माइल्स, 8 करोड़ 88 लाख मील ऊंचा है, और उसमें 900 करोड़ योजन लंबा जुआ लगा हुआ है। 900 करोड़ योजन मतलब 72 करोड़ एक योजन का 8 मील होता है, उसे हिसाब लगाइए, 900 करोड़ का 72 करोड़ होगा, 9 और 72 करोड़ मील लंबा है उनका जुआ, जुआ इतना लंबा है। और उनका रथ जब चलता है बीच का रास्ता कितना है, ना 76 करोड़ 8 लाख मील ये परिक्रमा का रास्ता है जब सूर्य चलता है। सूर्य के रथ में एक ही पहिया है, एक तरफ ये है मानस उत्तर की तरफ, और दूसरा जो धुरी है ना, धुरी दूसरा वह है उसमें सुमेरु पर्वत में लगा हुआ है, जैसे कोलू होता है ना तेल बनाने वाले तेली का, ये चरखी होती है गन्ना पेलने वाली हमारे गांवों में, ऐसे वो बैल चलता है और उसमें से तेल निकलता है सरसों में से या तिल में से, ऐसा ऐसे चलता है सूर्य देवता। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी तो सुमेरु पर्वत के थोड़े से बीच के रास्ते में उन्होंने 4 पुरियां बनाई, पुरी मतलब शहर, पूरब को, दक्षिण को, पश्चिम को, उत्तर को, और 4 बड़ी बड़ी पुरी बना करके 4 आदमियों को दे दी। पूरब वाले को एक नाम रखा देवधानी पुरी और वो इंद्र देवता को दे दी, दक्षिण की पुरी को बताया ये संयमनी पुरी, ये यमराज को दे दी, पश्चिम को बनाया निम्नलोचनी पुरी, वो वरुण देवता को दे दी,
उत्तर को बनाया विभावरी पुरी और उसको चंद्रमा को दे दिया। ये चारों पुरी चार बड़े बड़े देवताओं को दिया और उसमें लगा हुआ है धुरी सुमेरु पर्वत में और सूर्य चलता है। जब चलता है तो कहीं तो सुबेरे होता है, कहीं दोपहर रहती है, कहीं शाम हो जाती है, कहीं रात होती है, कहीं मध्य रात्रि, कहीं मध्यान्ह दिन, ऐसा होता है कि चार पुरी हैं, चार घूमना 24 घंटे में घूमता है सूर्य, एक परिक्रमा लगाता है। जहां पर अर्धरात्रि होती है लोग सोते हैं, जहां पर सुबह होता है सब जागते हैं, मध्याह्न में काम करते हैं, शाम को चुप हो जाते हैं, बंद करते हैं काम को, ऐसा दुनिया में। जब इंद्रदेव की पुरी से चलते हैं सूर्योदय हुआ वहां चलते हैं तो चलते चलते आते हैं ना यमराज की पुरी संयमिनी पुरी, विभावरी पुरी से संयमिनी पुरी आते हैं तो उनको दो करोड़ 35 लाख योजन चलना पड़ता है, मतलब 19 करोड़ 2 लाख मील, 19 करोड़ 2 लाख मील चलते हैं एक पूर्व से दक्षिण तक, इतना एक भाग, मतलब पूर्व तो इंद्र देवता का है और इधर यमराज का है, तो इंद्र देवता की पुरी से यमराज की पुरी पहुंचने तक उनको 19 करोड़ 2 लाख मील चलना पड़ता है। अंग्रेजी में कहते हैं 190,200,000 miles। क्योंकि एक योजन में 8 मील होती है, पहले किलोमीटर नहीं थे, अभी 50 वर्ष से किलोमीटर शुरू हो गए, 50-55 वर्ष ज्यादा नहीं, हम जब हाई स्कूल में शायद पढ़ते थे तब ऐसा हो गया। ये 19 करोड़ 2 लाख योजन मतलब 19 करोड़ 2 लाख मील मतलब इतनी दूरी को ये 6 घंटे में कवर करते हैं, ऐसा है ना, ये पूरब है ये दक्षिण है तो गोल है ना, इधर तो जा रहे हैं परिक्रमा करेंगे तो इतनी दूरी को वो 6 घंटे में कवर करते हैं। और इतनी ही दूर है यहां पश्चिम में आने के लिए पश्चिम शिविर, इतनी दूरी है उत्तर जाने के लिए, उतनी ही दूरी है फिर पूर्व आने के लिए, चक्र पूरा होगा तो 24 घंटे में सूर्य देवता चारों पुरियों को उजाला कर रहे हैं। जैसे सूर्य जी चलते हैं इनके विरोध विपरीत में चलते हैं चंद्रमा, लेकिन चलते हैं इसी प्रकार जैसे घड़ी की सुई चलती है ऐसे चलते हैं, लेकिन यहां सूर्य रहते हैं तो यहां चंद्रमा रहते हैं, तो ऐसे चलते हैं और सारे नक्षत्र भी ऐसे ही चलते हैं चंद्रमा के साथ। नक्षत्राणाम अहम शशि, भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं सारे नक्षत्रों में चंद्रमा हूं, चंद्रमा नक्षत्रों का राजा है। मतलब हर मिनट कितना मील चलेंगे वो, पांच लाख 66,000 मील पर मिनट रथ का स्पीड गति, कितने स्पीड है 5,66,000 मील प्रति मिनट चलते हैं सूर्य देवता, तभी 24 घंटे में वो कवर होता है सारा, सारा चक्कर लगता है। और मैंने बताया आपको एक ही पहिया है, उसमें एक पहिये में 12 क्या बोलते हैं वो स्पोक्स, जैसे साइकिल में होते हैं ना खट्टी सी लटकी सी, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में स्पोक्स बोलते हैं,
धुरी में तो एक ही पहिया है ना एक तरफ, उसमें 12 स्पोक हैं, वो 12 महीने को दिखाते हैं, चैत्र वैशाख जेठ असार श्रावण भादो कुमार कार्तिक अगहन पूस माघ फागुन, 12 महीने। और वो रिम है ना, वो रिम अंग्रेजी में रिम बोलते, हिंदी में क्या बोलते पता नहीं, उसमें 6 लेयर है, वो 6 ऋतुएं हैं, गर्मी है, बरसात है, और ऑटम है, हिंदी में क्या बोलते हैं वो पानी में गदला बैठ जाता है, फिर शिशिर है, फिर ठंड है, फिर बसंत है, 6 ऋतु पतझड़ बोलते हैं ना, और ठंड से पहले आती है। ये 6 ऋतुएं हैं, हर 2-2 महीने में चली जाती हैं ये 6 ऋतुएं। ये मानसोत्तर और सुमेरु पर्वत के बीच की जगह है, छत्तीस लाख योजन है, मतलब 2,88,00,000 मील मानसोत्तर और सुमेरु पर्वत, और उसमें जुआ लगा हुआ है 9,00,000 योजन लंबा, वो है 72,00,000 योजन लंबा जुआ, और उसमें 7 घोड़े लगे हुए हैं, और वो घोड़े छोटे नहीं है, जैसे वो बताया ना गजराज लगाए ना उन्होंने, ब्रह्मा जी ने 4 तरफ गजराज बनाए ना, इतने बड़े बड़े उनके घोड़े हैं, 7 घोड़े लगते हैं, और वो छंद हैं और गाते हैं, वेद पाठ करते हैं, वो ऐसे ऐसे हॉर्स ऐसे घोड़े नहीं है जो हमारे दिखाई करते हैं हिने नाते हैं ये लोग, वैसे घोड़े वो तो वेद पाठ करते हैं, ये विष्णु पुराण में लिखा है घोड़ों का नाम गायत्री चपंग बृहती, गायत्री च बृहती उसी का जगती त्रिष्टुप एव च अनुष्टुप पंक्ति रीति उक्ता छंदांसि हरयो रवे, रवे मतलब सूर्य, हरयो मतलब बहुवचन, घोड़े को हरो बोलते हैं घोड़े को, उसका नाम है गायत्री बृहती उष्णिका जगती त्रिष्टुपा अनुष्टुपा, ऐसे 7 घोड़े पंक्ति, 7 घोड़े, ये 7 घोड़े चलते हैं और ये लगे हुए हैं बहत्तर लाख मील लंबे जुए में जुते हुए हैं, वो 72,00,000 मील लंबा है, आप सोचिए कितने बार पहुंच जाएंगे हम भारत से अमेरिका, अब लगाइए हिसाब। और वो जो सूर्य देवता की बैठने की जगह मैंने बताई ना आपको, और वहां उनके सामने बैठते हैं अरुण देव, वो रथ चलाते हैं, जो रथ चलाते हैं अरुण देव वो घोड़े की तरफ चेहरा नहीं है, वो सूर्य देव की तरफ चेहरा है, क्योंकि सूर्य देवता है, बहुत बड़ा देवता है, मालिक है नवग्रहों का, सारे ग्रहों का, सारे नक्षत्रों का, सबका मालिक वही है, वही चलाता है सबको, तो इतना बड़ा है वो पीठ नहीं दिखा सकते बड़ों को, भगवान के मंदिर में जब बैठते हैं भगवान को पीठ नहीं दिखाते, चाहे भगवान बंद है या खुले हैं, गुरु जी के सामने बैठे हैं, गुरु जी के सिंहासन में सामने बैठे हैं, पीठ नहीं दिखाते, दिखाना पड़ता है जब जाते हैं तो गुरु जी के पास से भगवान के पास से, लेकिन थोड़ा सीधा चलना पड़ता है, मतलब सामने चेहरा करके चलना पड़ता है, पीछे फिर घूमना पड़ता है, ऐसा होता है, नियम है,
तो अरुण देव कहते हैं सुबह सुबह को, ब्रह्म मुहूर्त को अरुण देव कहते हैं। पहले अरुण उगते हैं फिर सूर्य देवता उगते हैं। पहले लालिमा आती है 90 मिनट सूर्योदय से पहले अरुण देव सूर्य उगते हैं। सूर्य उदय से 90 मिनट पहले अरुण उगते हैं, तब से ब्रह्म मुहूर्त, उससे पहले से ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है। ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धे तत्थर्वार्थार्जित, ये शास्त्र कहता है ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, कम से कम 90 मिनट पहले सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, तभी लक्ष्मी आएगी घर में। धर्म और अर्थ के बारे में सोचना, स्नान करके धर्म करना चाहिए पहले, पूजा पाठ जप माला करनी चाहिए, फिर अर्थ के बारे में चलना चाहिए, ऑफिस या खेत पे कहीं जाना, बिजनेस में दुकान खोलनी है, कुछ करना है पैसा कमाने के लिए। धर्म अर्थ अनुचित, धर्म पहले तभी अर्थ आएगा, ऐसा। ये सूर्य देव रोज आना चलते 76,08,00,000 मील प्रतिदिन 24 घंटे में चलते हैं, और वो एक 16,004 मील एक क्षण में चलते हैं, 16,004 मील एक क्षण में चलते हैं सूर्यदेव। ये सब मनगढ़ंत बातें नहीं है, जिसने ये सृष्टि रची भगवान ने, वही आए यहां पे व्यास महर्षि का रूप लेकर के, और 6,000 वर्ष पहले ये सब लिखा। उस जमाने में किलोमीटर नहीं थे, अभी तो 50-60 वर्ष से 55 वर्ष से आया है ये किलोमीटर का हिसाब, एकड़ का हिसाब, हेक्टेयर का हिसाब, किलोमीटर का हिसाब। ये किलो पहले शेर होता था, एक पाव होता था, आधा शेर होता था, परिमाण होता था, अब पता ही लीटर आ गया, किलो आ गया, ग्राम आ गया, किलोमीटर आ गया, पता नहीं और क्या आएगा आगे। लेकिन शास्त्र तो भगवान ने लिखे हैं, जिन्होंने सृष्टि रची है उनको बताया कौन सा पर्वत कौन से पर्वत से कितनी दूरी पर है, वो पर्वत कितना ऊंचा है, कितना मोटा है, कितना लंबा है, चौड़ा है, किस दिशा में है, वो सब उनको बताया, क्योंकि उन्होंने सृष्टि बनाई है ब्रह्मा के द्वारा, ब्रह्मा ने तो इंजीनियरिंग करी है। जैसे हम गए इंजीनियर के पास, हमारे शिष्य हैं सर्वात्मा, और उनके पास गए, उन्होंने इंजीनियरिंग करी और हमने बनवाया, ऐसे भगवान ने किया है सब कुछ, इसलिए इसमें कोई कल्पना नहीं है, ये सब बिल्कुल ठीक ठीक हिसाब है। हमको भगवान का भजन करेंगे तो हमारी समझ में पूरी बात आ जाएगी, ये सब मील मील बहुत योजन बहुत हम बोल दिए और ये समझ में आएगा 2-4 बार आप सुनेंगे। श्री राधा गोविंद भगवान की जय।